जिना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ना, ये है गोंद कतीरा, जो गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, शरीर को ठंडक देता है, लू से बचाता है, पेट की गर्मी को दूर करता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि गोंद कतीरा हकीकत में कैसा होता है। ये है गोंद कतीरा। अब हम क्या करेंगे, 8 से 10 गोंद कतीरा के टुकड़े लिए और एक बाउल में डाल देंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पानी। पहले आप देख लीजिए कि ये कैसे होता है, जो और वैसा गोंद होता है जो साधारण हम सर्दी में यूज करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर पानी डाल देते हैं, 2 से 3 घंटे में ये फूल के बहुत मोटा हो जाता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं तो पूरी रात ही इसको पानी में रख देती हूँ, पूरी रात सक कर लेता है पानी इसको। अब देखिएगा इस तरह की ये वाइट जेली सी बन के तैयार हो जाती है। देखिए वैसे बहुत सॉफ्ट है ना, जेली सी बन जाती है और इसको हम कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ध्यान रखना है लस्सी और दही को छोड़ के आप दूध में, जूस में, आइसक्रीम में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका क्या बना रही हूँ वो मैं बताती हूँ आपको। 20 से 25 बादाम ली, एक फ्राई पैन में डाल दिया। एक कटोरी मैंने मखाने लिए, वो भी फ्राई पैन में डाल दिए। अब मुझे इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि इनके अंदर जो नमी है ना वो निकल जाए। मैं जब तक इनकी नमी निकाल रही हूँ, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। गैस को बंद कर दिया है और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब तक हमारे मखाने ठंडे होते हैं तो मैंने लिए मिश्री। ये भी कौन सी मिश्री, जिसके अंदर धागा होता है, ये ज़्यादा अच्छी होती है। इसको मैं मिक्सी के जार में डालूंगी और इसका पाउडर बना लूंगी। मैं पाउडर बना रही हूँ, आप जब तक कमेंट्स कर दीजिएगा कि मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए भाई, पाउडर भी बन गया है। अब जो मखाने और बादाम ठंडे हो गए हैं उनको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उनको जार के अंदर डाल देंगे। एक साथ एक ही बर्तन में मैं सारे काम कर लेती हूँ, है ना, ये नहीं है कि बहुत सारे बर्तन धोने पड़े मुझे। अब वो मैंने पीसा मिश्री को, उसी में बादाम और ये डाल दिया। अब इसी में सौंफ डाल दूँगी और एक बार इसको फिर चला लूँगी। पाउडर बनके हो गया तैयार। अब मैं आपको दिखाती हूँ मिक्सी बाउल में डाल के, ना तो मैं छानूंगी इसको, कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी चीज़ हम इससे बनाएंगे ना वो इसी से बनने वाली है। आपको पता है कि दो बार मिक्सी को चलाओगे अच्छा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ ठंडकाई। तो मैं 3 गिलास लेती हूँ, 3 गिलास में मैं 2-2 चम्मच ये पाउडर डाल दूँगी। हाँ, ये 2-2 चम्मच आप डेढ़ भी डाल सकते हो। जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो इसके अंदर रूबजा भी डाल सकते हैं, इनके साथ रूबजा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये पाउडर डालूँगी और इसके साथ मैं इसमें यूज करूँगी अपना पानी। पानी के लिए ऑप्शन है, आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर आप बर्फ़ का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बर्फ़ भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे मटके का पानी भी डाल सकते हो। मैंने मटके के पानी से एक बोतल भरी और तीनों के अंदर मैंने मटके का पानी डाल दिया है। और एक के अंदर मैं अभी डाल के दिखाऊंगी आपको रूबजा, और दो बनाऊंगी मैं बिल्कुल प्लेन। तो देखिए इसमें थोड़ा सा रूबजा डाला था तो इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा और रूबजा डाल देते हैं और बाकी जो है ना, दो अब हम गोंद कतीरे का इस्तेमाल बनाते हैं। आपने कभी बाहर जूस पिया होगा, ऊपर आपको बहुत ही क्रिस्टल सा जो नज़र आता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, गोंद कतीरे का इस्तेमाल करते हैं। ये जो गोंद कतीरा अभी मैं आपको दिखाया था, आधी आधी चम्मच ये हम तीनों में ऐड करें, ठीक है। दूसरा तरीका है गोंद कतीरा खाने का, जो पाउडर बादाम का हमने अभी तैयार किया था वो हम एक कटोरी में लेते, एक बड़ा चम्मच भर के ले लेते हैं और इसके अंदर अभी मैं ऐड करूंगी गुलकंद, जो मैंने जब गुलाब मेरे पास बहुत सारे आए हुए थे तो बनाया था, तो ये हमने गुलकंद डाल दिया। गुलकंद भी हमारा मिश्री से और गुलाब की पंखुड़ियों से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और साथ में ये डाल देती हूँ गोंद कतीरा। ये तरीका है खाने का। आइसक्रीम के स्थान पर आप ये बना के खा सकते हो, जो आपकी गर्मी को कम करेगा। और साथ में मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें रूबजा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके आप आनंद ले सकते हो, गर्मी को बढ़ा सकते हो, और मीठा चाहिए तो थोड़ा सा रूबजा और डाल दीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप कौन से तरीके से इसको खाना पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ